वक्फ़ इदारे हैं वहाँ डोनेशन जमा होती है तो वक्फ़ इदारे क्योंकि महंगाई बढ़ गई एक्सपेंसिज बढ़ते जा रहे हैं तो वक्फ़ इदारे अगर कोई इंडोमेंट फंड क्रिएट करके इसको इन्वेस्टमेंट कर, इन्वेस्टमेंट करें और उस पर रिटर्न जो भी आए उससे अपने अखवाजात पूरे करें तो ऐसा करना कैसा होगा और क्या दावत इस्लामी इस तरफ कर सकती है या कर रही है मेरा ख़्याल से आपकी मुराद है चैरिटी इदारे जी तो हर इधारा वक्फ़ नहीं होता चैरिटी इदारे होते हैं फलाई इदारे होते हैं जी अस्पताल भी हैं एन जी ओ टाइप इदारे भी हैं और इदारे भी हैं देखिए जो कामयाब इदारे हैं ना दावत सामने तो खैर ऐसा नहीं किया अभी तक जो कामयाब इदारे हैं जैसे एक दो हॉस्पिटल्स के बारे में काची में भी एक बड़ा अस्पताल है मुझे उसके बारे में पता है कि उन्होंने अरबों का एक फ़ंड जमा किया अब इससे दो फायदे हुए एक फ़ायदा तो यह हुआ कि इस अरबों का फंड जमा करके जो ऑपरेशनल अखराजा हैं उससे जो नफा हासिल हो रहा है इन्वेस्ट किया उन्होंने और उससे जो नफा हासिल हो रहा है तो ऑपरेशनल अखराज उनके निकल रहे हैं बिल्कुल उनको ये परवाह नहीं है कि भाई मुल्क के हालात डाउन हो गए खराब हो गए अल्लाह ना करे कोई बड़ी आफत आ गई तो हम ये ऑपरेशन कैसे चलाएंगे जी। सबसे बड़ा इदारा का सर्वाइव करना सबसे बड़ी चीज़ जी। होती जी। है ना अब वो अस्पताल काम ही ना कर पाए ठीक जनरटर नहीं है उसके पास रनिंग जो है एक्सपेंसिजर को फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो अस्पताल खदमात कैसे अंजाम देगा तो यूँ बुरे वक्तों से बचने के लिए एक ख़राब सूरत से बचने के लिए उन्होंने एक बड़ा फ़ंड कायम किया और इन्वेस्ट किया और अगर वो जायज़ जगहों पे इन्वेस्ट हुआ है और आमदनी हो रही है तो ये कहलाती है स्ट्रेटजी एक बेहतर प्लानिंग और एक मौसर प्लानिंग और उस प्लानिंग के जो अज़ायम में वो के अच्छा एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नाजुक है वो ये है कि भाई ये जो इदारे हैं फंडिंग करते हैं लोगों से क्या लोगों के इल्म में ये बात है कि ये इस पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे बाज इधारों पे एतराज भी होते रहें कि भाई इन्होंने पैसा उठा कर इन्वेस्ट पे लगा दिया ठीक है या तो वो अपने मोटों में उसको शामिल करें अपने तशीर में ऐलान में मकासद में शामिल करें कि भी ये फ़ंड है हम ऑपरेशन भी चलाते हैं और इस ऑपरेशन की एक प्लानिंग के लिए इस्ट्रेटी के तौर पर हमने एक न्यू सिस्टम भी बनाया हुआ है मैं समझता हूँ कि देखें तदबीर जो है ना मोमिन का हथियार है मौसर प्लानिंग हमत अमली स्ट्रेटजी ये हथियार है मोमिन का और अल्लाह रब्ज़त ने क़रण पाक में हमें फ़रमाया है कि तैयार रहो तुम लोग ठीक है ना तैयार रहो मतलब तो तो वो पसमंज़र तो उसका एक ख़ास है लेकिन जब आपके अज़ाइम नेक हैं जब आपका मकसद बहुत बड़ा है अजीम है तो वो मकसद ख़राब ना हो प्रॉब्लम ना आए आपको तैयार रहना पड़ता है ना तो मेरी बात पूछे तो मैं आज कहूँगा कि भाई ये करना चाहिए ये काम जबकि तरीका का जायज़ हो आगे का और ऐसी जगह पर आप पैसा लगाएं जो जायज़ है न सिर्फ जायज़ है सिक्योरिटी भी उसको ये नहीं कि जनाब सारा पैसा आपने डुबो दिया तो दावत स्लमी में ऐसा ममला तो नहीं हो रहा लेकिन होना चाहिए ऐसा ऐसा कब होगा कि जब कौम ये कहेगी कि भई हमें कोई इशू नहीं है अब खैर जकवात का पैसा तो नहीं लगा सकते ठीक है ना तो जक़त का पैसा तो इस तरह इन्वेस्ट नहीं हो सकता जो तो अतियात आते हैं भई एक बड़ा टेलीथान होता है मिसाल के तौर तो पर इस काम के लिए लोग कम अतियात देने के लिए तैयार हैं आप एक बड़ा फ़ंड कायम करें ताकि जो तगजुर आता है कभी फंड आपका अप डाउन होता है तो वो जो पुल है आपका वो काम आ सके और हमें आप पर एतमाद है हमें कोई इशू नहीं है आपको तो करना चाहिए ठीक है ना तो फिर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं उस तरफ दावत सामने जा सकती है तो सब यानी आपकी गुफ्तु से जो मैं समझा समझाऊँ जो सवाल था हज़रत का कि इस पर पाब शरण कोई ममानियत नहीं है अगर तरीक़ाकार दुरुस्त हो क्यूँधाते हैं बाज़ इदारे क्या करते हैं भाई एक जगह मस्जिद बन रही थी जी तो मस्जिद वालों को कहा गया कि भाई आप ना इसमें दुकानें भी निकाल रहे हैं अपने ऐलान में शामिल करें ठीक है आप चंदा मांगते हैं मस्जिद की तारीर लिए चंदा चाहिए सही तो तो लोगों के में में जो एक आम हर, हर मस्जिद तो दुकान नहीं बनती ना जी तो आप इसमें यह शामिल करें कि हमारी मस्जिद में दुकानें भी निकलेंगी ठीक है तो नाराज हो गए लोग चंदा नहीं देंगे ये बात करती तो तो किसने कहा कि भाई इसलिए तो ये बात बोली जा रही है क्लियर कि जब लोग नहीं चाहते कि उनका पैसा वहां लगे तो फिर आप लोगों का पैसा क्यों लगाएंगे आपके पास तो राइट ही नहीं है ठीक है अब तो एक तरह से लोगों की अमानत को आगे लेकर चल रहे हैं ठीक तो बात यह है कि उसकी तस्वीर हो लोगों को पता हो कि इदारा जो है ना इ करना चाहता है और इदारा यूं भी करेगा इजाजत के बाद किया जाएगा ना ये मामला ठीक है यह नहीं है कि आपके पास लोगों ने पैसा जमा करवा दिया आप बादशाह बन गए ठीक चंदा लेने वाला बादशाह कैसे बन सकता है चंदा लेने वाला तो अमीन है चंदे का एक अमूमी हुक्म है वहाँ खर्च किया जाएगा जिस काम के लिए लिया गया है मत चेंज नहीं कर सकते इस, इसके अलावा